हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। आज हम संविधान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर एक, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 22 मार्च 1946, ऑप्शन बी 22 मार्च 1942, ऑप्शन सी 24 मार्च 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 22 मार्च 1946, ऑप्शन बी 22 मार्च 1942, ऑप्शन सी 24 मार्च 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर तीन, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में पहली बार चुनाव कब हुए? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 293, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 292। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 296। क्वेश्चन नंबर छः, एकमात्र देसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर सात, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर नौ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर दस, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुए? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ तथा बाद में इसे प्रस्तावना कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन रॉय, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी एन रॉय या बेनेगल नरसिंह रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन रॉय, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रारूप समिति ने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट कब दिया?
ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 21 फरवरी 1948। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 21 फरवरी 1948। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकार किया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 21 फरवरी 1948। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।